अभी तो शिवपाल यादव ने अपने भतीजे को जीत का आशीर्वाद ही दिया था कि बीजेपी की छाती पर सांप लौटने लग गया। सोचिए, जब जीत का शहरा शिवपाल यादव अपने भतीजे के सिर पर सजाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बीजेपी के बयानवीर नेताओं का, क्या करेगी योगी सरकार की ठोको नीति वाली सरकार, और क्या करेंगे बीजेपी के सर्वे सर्वा पीएम मोदी। क्या शिवपाल और अखिलेश के एक बार फिर से एक होने से बीजेपी को ये लगने लग गया है कि अब तो बीजेपी की डूबती नैया को कोई नहीं बचा सकता। क्या बीजेपी को ये समझ आ चुका है चाचा भतीजे की जोड़ी के सामने बीजेपी के तमाम योद्धा घुटने टेक देंगे। खैर, जिस तरह की बौखलाहट बीजेपी खेमे में दिख रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है। बीजेपी मुलायम परिवार के एक हो जाने से क्यों घबराई हुई है, क्यों अखिलेश की रैलियों में जुटी भीड़ को देखकर बीजेपी के होश फाकता हो गए हैं, ये मैनपुरी में पहुंचे शिवपाल यादव ने अपने ही अंदाज में बता दिया। ये बता दिया कि बीजेपी की विदाई का वक्त आ गया है। चाचा, आज का रैल आए हैं, 2022 के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। शिवपाल और अखिलेश यादव के एक होने का ही तो डर है बीजेपी को कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी कठपुतली एजेंसियों को समाजवादी नेताओं के पीछे लगा दिया। बीजेपी नेताओं ने सोचा इन एजेंसियों के इस्तेमाल से शायद कुछ काम बन जाए, लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो ऊपर वाले ने लिखा होता है। तभी तो शिवपाल यादव कह रहे हैं बीजेपी हताश हो गई है, निराश हो गई है, बीजेपी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसे में बौखलाहट में इन एजेंसियों को हमारे पीछे लगा दिया है। जिस तरह चाचा जो है रोज ईडी के छापे पड़ रहे हैं मैनपुरी जिले में सपा कार्यकर्ता, उस पर क्या कहेंगे आप? इनकम टैक्स के हैं ये तो। जी, इनकम टैक्स इसलिए पढ़ रहे हैं। जी 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 चाचा, अब हम लोग दोनों एक हो गए। जी चाचा, जी चाचा, राट है। जी चाचा, भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी। जी चाचा, इसलिए परेशान कर। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सपा और प्रसपा के साथ आने से बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गया है और अखिलेश की ताकत पहले से ज्यादा दोगुनी हो गई है। ऊपर से जिस तरह की भीड़ अखिलेश की रैलियों और रथ यात्रा के दौरान उमड़ रही है, मानो जन सैलाब आ गया हो, मानो जनता ने ये अभी से ठान लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए जुमलेबाजों की सरकार को सत्ता से बेदखल करके ही दम लेना है। एक तरफ अखिलेश पर लोगों का विश्वास, एक तरफ अखिलेश का करिश्माई चेहरा और दूसरी तरफ शिवपाल यादव की संगठन पर पकड़, ये ऐसी जोड़ी है जिसके सामने बीजेपी के तमाम चाणक्य और उनकी नीति धरी की धरी रह जाएगी और इस बात का एहसास बीजेपी को भी है। तभी तो शिवपाल यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चाचा भतीजे की जोड़ी से घबरा गई है। बहरहाल, एक तरफ चाचा भतीजे की जोड़ी, ऊपर से उत्तर प्रदेश की जनता का अखिलेश यादव को अपार समर्थन, इससे इतना तो साफ है कि 22 में बीजेपी की विदाई निश्चित है। अब तो देखना सिर्फ ये है कि जनता बीजेपी को इज्जत बचाने लायक भी वोट देती है या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव ही 2024 की दशा और दिशा तय करेगा। और अगर अखिलेश बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होते हैं तो ऐसे में वो एक नेशनल लीडर के तौर पर भी उभरेंगे, जो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं।